ये जो आप इतने सारे कंसर्न्स देख रहे हो ना साइड में दीज आर ऑल दी फ्रिक्शन पॉइंट्स बिटवीन इंडिया एंड यूएसए चाहे डेमोक्रेसी का कंसर्न्स हो उनकी रिपोर्ट्स आती हैं बार बार वी आर अ फ्लॉट डेमोक्रेसी हम उनको असर्ट करते हैं यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट आर डेमोक्रेसी वी आर ऑल्सो वॉचिंग यू नॉट जस्ट दैट माइनॉरिटीज के बारे में उनके स्पेशल थ्री रिपोर्ट और ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं दो का चाहे आर्टिकल थ्री को रिमूव करने का एक्शन हो या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का दोनों ही केसेस में यूएस ने हमें स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया हमने भी अपने बातें असर्ट तरीके से रखी। अब रशिया यूक्रेन चाहिए और देता नहीं है कोई सस्ते में कच्चा तेल डिस्पाइट दैट वी वर नॉट दैट अंडरस्टूड है न? और ऐसे ही आप देखो एस चाहे बाय करना हो या फिर ईरान में चाबार पोर्ट को बिल्ड करना हो अगेन विच इज इंपोर्टेंट फॉर अस स्ट्रेटेजिकली सीपेक को रोकने के लिए यूएस चाहता है कि चाइना का जो राइज है वो कम हो और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर काजगर ग्वदर कॉरिडोर थोड़ा सा लिमिटेड रहे डिस्पाइट दैट दे डोंट हेल्प अस क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन चाबर है ना उल्टा सैक्शन लगा देते हैं हमको उनसे कंसर्न है कि भैया आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो ट्रेडिशनली अफगानिस्तान में यूनिलैटरल पॉलिसी ले, ले लेते हो जब चाहे तो वहां आ जाते हो फिर विड्रॉ कर देते हो दो में और फिर हम बिना विदाउट कीपिंग अस इन लूप वी जस्ट स्टे लाइक दैट इवन क्लाइमेट चेंज तक की पॉलिसीज में बहुत डिफरेंसिस नो वेरी वेल एक फैक्टर है जो हम दोनों को जोड़ रहे हैं एंड दैट इज दाइना थ्रेट दोनों कंट्रीज के लिए यूएस के लिए इट्स अबाउट ग्लोबल सुप्रीमसी फॉर एस इट्स अबाउट आर ओन एग्जिस्टेंस आर थ्रेट है ऑन दी बॉर्डर्स एज वेल इंटरनली एज वेल सो दीज आर दी थ्रेट लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी आर जस्ट बाइंडिंग ऑन दिस पॉट फ्रिक्शन है लेकिन मैनेज करके चल रहे हैं आप देखो कुछ दिन पहले बांग्लादेश में भी हमने क्या बोला कि यूएस का रोल है शेख हसीना ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि उनकी रिजीम को टॉपल करने में यूएस का हाथ है है ना हम ऐसा ही बोल रहे थे क्यों हो सकता है इंडिया की वलनेबिलिटी थोड़ी सी यहाँ क्रिएट करने के लिए लेकिन उसके बावजूद राजनाथ सिंह आज विजिट किए डिफेंस मिनिस्टर और एक अग्रीमेंट साइन करके आए अभी आए नहीं है ले और भी अभी और डेवलपमेंट्स होंगे सो अग्रीमेंट इज अबाउट सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज सिंपल है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज सप्लाई की सिक्योरिटी जब मुझे यूएस के डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स में से कुछ इक्विपमेंट चाहिए रहेंगे एट द टाइम ऑफ वॉर कंटिजेंसी तो मैं प्रायोरिटी बेसिस पर उसको डिमांड करूंगी और यूएस उसे मुझे सप्लाई करेगा लाइकवाइज जब यूएस को रिक्वायरमेंट होगी तब हम उनको सप्लाई करेंगे इट्स नॉन बाइंडिंग इस टाइप का सप्लाई का अग्रीमेंट बाइंडिंग तो नहीं हो सकता लेकिन डिस्पाइट दैट इट इज क्रूशल इट्स अ सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट आप कमिटमेंट कर रहे हो जब भी चाइना के साथ हमारी इश्यूज होंगी यू विल सप्लाई अस मटेरियल्स। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए देखिए अन ऑफलाइन आ चुका है यहां पर करोल बाग में आपके लिए इंग्लिश मीडियम की बैचेस चल रही है नया अलॉन्ग विद मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम का बैच चल रहा है विद डिस्काउंट और इसका भी बैच काफी क्लोज है आप देख ही सकते हो एंड इसके साथ साथ प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेस चल रहे हैं तो आप इन तीनों बैचेस के बारे में इंक्वायर कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स प्रोवाइडेड है और आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो कोर्सेज है दीज आर वेल क्यूरेटेड बेसिक्स से लेकर एडवांस तक आपकी प्रिपरेशन कराएंगे अलॉन्ग ऐसे है, है सारी चीजें आपके लिए so, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइडेड है way, अगर आप, आप यहां पर ऑफलाइन काउंसिलिंग के लिए आना चाहते हो तब भी आ सकते हो किसी भी सेंटर में वी आर अवेलेबल तो आप आकर बाकी चीजें भी पूछ सकते हो सो देर दिस थ्रेड फ्रॉम द रिसेंट टाइम पीरियड देखो एक टाइम था जब यूएस इतना नहीं था चाइना के थ्रेड से और हमारे साथ डिफेंस में ज़्यादा पर एंगेज नहीं कर रहा था, UPA के 123 nuclear agreement हुआ था इंडिया -US nuclear cooperation. उसके बाद मैटर्स जो थे वो ठंडे बस्ते में पड़े थे क्योंकि ओबामा भाई साहब थोड़े से कंप्लेसेंट थे इन टर्म्स ऑफ जियो पोलिटिकल थ्रेड कैल्कुलशन ऑफ दो बोलते हैं इसके बाद क्या होता है सडनली

और इंडिया को कैसे हम एंपायर करें इंडिया के साथ कैसे स्ट्रेटजिक रिलेशंस बढ़ तो डिस्पाइट द फैक्ट कि इस एरा में इकोनॉमिक टेंशनस थी उसके बावजूद मेजर डेवलपमेंट्स हुए कॉमकासा कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी सिक्योरिटी अग्रीमेंट साइन हुआ स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन का स्टेटस हमें दिया गया एसटी1 स्टेटस मतलब साफ है कि अगर हम नॉन नाटो एली हैं नाटो है, नहीं भी है अगर हम यूएस के क्लोज एली नहीं भी है, डिस्पाइट दैट हमारे साथ यूएस स्ट्रेटेजिक ट्रेड करेगा अपनी मोस्ट सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज हमें बेचेगा दट फॉर श्योर इसके बाद टू प्लस टू डायलॉग स्टार्ट किया डिफेंस प्लस फॉरेन मिनिस्टर्स का टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज और ऐसे बहुत सारे और कुछ चीजें भी हमने खरीदी गया परचेज की दट देर अब आता है आपका बाइडरा बायडेन एरा में भी ये चीज कंटिन्यूड होती है डिस्पाइट द फैक्ट कि डेमोक्रेसी और माइनॉरिटीज के कंसर्न्स डेमोक्रेट्स बहुत ज्यादा हाईलाइट करने लग जाते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन रिलेशनशिप का हो चुका है अब तक और अभी भी आप देखते हो अभी क्या है GEF414 इंजंस एंड MQ9 रीपर ड्रोन्स की बातचीत चल रही है इस विजिट में हो सकता है ये चीजें साइन हो जाएं और मेजर डेवलपमेंट आ जाए अब यहां पर पार्टनरशिप देखो ये कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट है इसके साथ साथ अभी जो रिसेंट विजिट है उसमें यहाँ पर मेमोरेंडम अग्रीमेंट हुआ है लाइजन ऑफिसर्स के लिए भी कि जो लाइजेंट ऑफिसर्स हैं उसमें हम करेंगे क्या हम यहाँ पर ये जो लाइजन ऑफिसर्स हैं उसके लिए मेमोरेंडम करते हैं ताकि हम कोऑपरेशन ज़्यादा बेटर करें लाइजन ऑफिसर्स के थ्रू बेटर कम्युनिकेशन के लिए अगेन कंपैटिबिलिटी होगी इससे ज़्यादा हम ऐसे जो सिचुएशन है उसमें स्विफ्टली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे सिक्योरिटी चैलेंजेस में सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर और इससे इंडिया एक मेजर पार्टनर बन जाता है यू का बाकी सारी कंट्रीज़ ऐसे जो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाइज है ये और भी बहुत कंट्रीज़ ने साइन किए जैसे ऑस्ट्रेलिया देखो कैनेडा देखो डेनमार्क फिनलैंड इसराइल जापान और भी बहुत कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस टाइप का एक अग्रीमेंट किया है यूएस के साथ

यूएस बहुत बार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है यहां पर आर्म्स को एक्सपोर्ट करने के लिए तो इस टाइप के जो रेगुलेशंस है ये यूएस को स्टॉप करते हैं एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशंस एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्सपोर्ट की रेगुलेशंस को रिक्वायर करता है आर दी मेजर प्रॉब्लम्स इसके साथ साथ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एस टी वन स्टेटस हमको स्टेटस मिल गया तब भी यूएस ने हमें ज्यादा आर्म्स नहीं बेचे क्यों क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करो आर्म्स के साथ यूएस चाहता है नहीं इंडिया हमारा ट्रेडिशनल परचेजर बना रहे बस हमसे खरीदे और महंगे में हमेशा खरीदे ये तो पॉसिबल नहीं है समवेयर डेल हैव ऑल्सो हैव टू गिव ना सो so, ये सारे कंसर्न अब इसका सोल्यूशन क्या है

ट करके डिफेंस में इनोवेशन ला सकते हैं दैट इज मेन यहाँ पर जो uh, वो है मेन मेन वे फॉरवर्ड है इंक्यूबेटर्स हैं इंक्यूबेटर्स में आपस में आप कोऑपरेट करवा सकते हो क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंक्यूबेटर सेंटर्स चाहिए अगर स्टार्टअप्स को ग्रो करना है इनोवेशन करना है डिफेंस के सेक्टर में और प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना इंक्यूबेटर्स के बिना काम नहीं चलेगा तो वहां पर आप कॉपरेट कर सकते हो यूएस एज लीडर देयर ऐसे ही आप देखो टैलेंट मोबिलिटी टैलेंट को आप बायोलेटरल फेलोशिप प्रोग्राम्स के थ्रू मोबिलाइज कर सकते हो बिकॉज हमारा बहुत सारा टैलेंट वहां पर है लेकिन ब्रेन ड्रेन को आप रिवर्स भी कर सकते हो कुछ टैलेंट लेकर भी आ सकते हो फॉर इफ इफ यू प्रोवाइड बेटर इंसेंटिव टू दे बाकी आपको क्या लगता है यूएस और इंडिया क्या अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज कर पाएंगे या फिर ये अपने ट्रेडिशनल फ्रिक्शंस में ही रह जाएंगे बताइएगा जरूर थैंक यू पीपल स्टे कनेक्टेड